का भी उस पर क्या आघात हो, जिस बंदे पर महादेव का हाथ हो। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई, मैं जब जब भी रोया मेरे महादेव को खबर हो गई। ना मैं ऊंच नीच में रहूं, ना ही जात पात में रहूं, महाकाल आप मेरे दिल में रहें और मैं औकात में रहूं। मस्तक सोही चंद्रमा गंग जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को नर्मल जन मन से सींच। शब में हूँ मैं भी शिव बिना, शब में शिव का बास, शिव मेरे आराध्य है, मैं हूँ शिव का दास। न जीने की खुशी न मौत का गम, जब तक है दम महादेव के भक्त रहेंगे हम। बेशक जिंदगी परेशान है, फिर भी महादेव मेरी जान है। भीड़ भरी दुनिया में हम अकेले थे, जब से तुम मिले मेरे भोले हम मुकम्मल हो गए। जब जमाना मुश्किल में डाल देता है, तब मेरे भोले हजारों रास्ते निकाल देता है। किस्मत लिखने वाले को भगवान कहते हैं और बदलने वाले को भोलेनाथ कहते हैं। तो बम बम भोले, और आप लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में बाद में ब्लॉग। एंड गाइस, आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे, जो है भलेट में, हिमाचल प्रदेश सुजानपुर में। और यहाँ पे आप देख सकते हो भोलेनाथ जी की बहुत ही प्यारी प्रतिमा बनाई गई है। एंड इसको देख के आपको आदिनाथ योगी, जो यहाँ जो आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में, उनकी याद आ गई होगी। तो वही एक सेम यहाँ पर भी हिमाचल में बनाया गया है। और ये जो है सुजानपुर से आगे है, भलेट जगह पर जाती है, वहाँ पे बनाया है ये। काफ़ी बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे एक लोकेशन बनाई है, जहाँ पे हमारे आदि योगी भोलेनाथ जी हमारे विराजित हैं। और आप देख सकते हो अभी ये जग अभी ये प्रॉपर इतना विकसित नहीं हुआ है, अभी इसको बना ही रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है हर चीज़ को ही बहुत अच्छे से बनाने में। और यहाँ पे भोलेनाथ जी की भोलेनाथ जी का स्टैचू बनाया है, भोलेनाथ जी का शिवलिंग भी है, एंड नंदी महाराज जी भी यहाँ पे हैं, और लोग देखने आ रहे हैं दूर दूर से इस लोकेशन को, जो बहुत ही यहाँ पे आप देख सकते हो भलेट, आई लव आदि शिव भलेट। यहाँ पे एक छोटा सा खाने के लिए कैंटीन भी बनी हुई है, और अभी और भी प्लेसेस बन रहे हैं धीरे धीरे पास में। तो ये आई थिंक अभी अपकमिंग डेज़ में या नेक्स्ट ईयर तक और भी ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। यहाँ पे मार्केट होगी, और हमारे भोलेनाथ जी तो कितने प्यारे लग रहे हैं अपने ध्यान में। और गाइस, ऐसी बहुत सारी जगह है हमारे नियर बाय, बहुत सारी जगह होती है जहाँ हम अभी तक जो हमने एक्सप्लोर नहीं की होती है। और हम जब धीरे धीरे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ हम घूम सकते हैं, जहाँ हम जा सकते हैं। और ऐसे ही अब सुजानपुर हमीरपुर में ऐसी बहुत सारी जगह, अब ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं। और यहाँ पे हम गए थे लास्ट मंथ जब हम घर गए थे, और ये ब्लॉग मेरे को रह गया था अपलोड करने के लिए, तो मैंने आज अपलोड किया है। और भोलेनाथ जी, आपने देखा होगा हमारे ब्लॉग में हम बहुत सारे ऐसे प्लेसेस में विज़िट करते हैं, शिव जी महादेव जी के जहाँ पे मंदिर होते हैं, या फिर जहाँ पे लोगों को प्लेसेस कहीं नहीं पता होते हैं लेकिन वो जाना चाहते हैं, तो आप हमारा ब्लॉग देख सकते हो। और इससे पहले हम जटौली महादेव टेंपल का भी मैंने ब्लॉग बनाया था, जहाँ पर लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, प्लेसेस के बारे में पूछ रहे थे। तो आपका इसी तरह प्यार बना रहे तो हम और भी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अभी मेरे अभी हम नेक्स्ट कहीं प्लान बना रहे हैं, जो सरप्राइज़ है, तो वो बहुत जल्दी आने वाला है ब्लॉग्स में। तो ये है आदिश, तो आप देख सकते हो बहुत सारे लोग बाइक्स पे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस प्लेस को जो है एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं घर, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई, पिक्चर्स क्लिक किए। एंड ये जो हमारा मेरा जो ससुराल है वहाँ से थोड़ी दूरी में है, 10-15 मिनट का रास्ता है। तो मेन रोड के आप बिल्कुल मेन रोड में ही आपको लेफ्ट हैंड साइड, मतलब मेन रोड से आपको दिख जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, मैं वीडियो जो है शूट कर रही हूँ बाइक पे, बाइक से तो आपको यहाँ से दिखाती हूँ। आप जब जाते हो तब भी आपको, जैसे आप सुजानपुर से कांगड़ा की तरफ जा रहे हो, आपको दिख जाएगा तो रास्ते में ही, तो आप विज़िट कर सकते हो उस प्लेस को। एंड यहाँ से भी आपको महादेव जी की प्रतिमा दिख जाएगी,
तो गाइज हर हर महादेव एंड एक्सप्लोर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. पंडित ब्लॉग एंड पंडित फैमिली बहुत इसी तरह आगे काउंट नंबर ऑफ काउंट्स हमारे बढ़ते रहे फैमिली के. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.